हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है AKR पॉइंट। बात करेंगे आज की नई रिक्रूटमेंट जो पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2021 के लिए आई है, अप्लाई कैसे करनी है और एप्लीकेशन फ़ी क्या है इसमें, प्लस आपकी सैलरी क्या होगी इसमें, क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है इसमें, एज लिमिट कब तक की है। सो बात करते हैं आगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन मोड जो है आप लोगों को ऑनलाइन सबमिट करना है। पोस्ट नेम होगी GDS की, GDS की वैकेंसी से। सैलरी आप देख सकते हैं 12,500 से लेकर 14,500 तक रहेगी। एज लिमिट की बात करें तो 18 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम जो है आपका 40 ईयर्स होना चाहिए। प्लस आपको एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल एज पर रूल्स, एज रिलैक्सेशन भी आप लोगों को मिलेगा। फिर उसके नीचे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फी जो है, एप्लीकेशन सिर्फ जनरल और OBC मेल कैंडिडेट के लिए है और फीमेल और ST और SC के लिए नहीं है। तो जो मेल कैंडिडेट और जनरल और OBC के लिए 100 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ी है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं पेमेंट मोड आप लोगों को ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। अब देख सकते हैं क्वालिफिकेशन जो है इसकी 10th होनी चाहिए, 12th फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड। रिकॉग्नाइज ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, 10th ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, 10th और 12th मिनिमम चाहिए आप लोगों की क्वालिफिकेशन। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट जो है इसकी 27 फरवरी 2021 तक है। अप्लाई कैसे करनी है, ऑफलाइन ऑफिशियल वेबसाइट इसकी क्या है, तो दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडियन पोस्ट GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन पहले आप लोगों की करनी पड़ेगी, उसके बाद फी पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोगों को एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी यहाँ। तो देखिए ऐसा एक इंटरफेस खुलेगा जहां पर आप लोगों को एप्लीकेशन में अप्लाई करना है। देख रहे हैं, आपका खुद का नाम रखना पड़ेगा, फादर नेम रखना पड़ेगा, मोबाइल नंबर रखना पड़ेगा, आधार नंबर रखना पड़ेगा, ईमेल रखना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, जेंडर देना पड़ेगा, कम्युनिटी देना पड़ेगा, EWS से है या नहीं है वो देना पड़ेगा। प्लस इसमें इफ़ यू आर डिसेबल, मतलब अगर आप डिसेबल हैं तो आप लोग का सर्टिफिकेट नंबर जो होता है वो देना पड़ेगा, और नहीं है तो वो उसका भी नहीं दे। तो फिर 10th पास का आपको सर्टिफिकेट देने पड़ेगा। और इस हाँ, इसमें जो एक ये पूछती है कैन यू राइड अ बाईसाइकिल, इसमें येस और नो दोनों दे सकते हैं, दोनों मतलब नहीं वाले नो वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, येस वाले भी। ऐसा नहीं है कि साइकिल ही चलाना है। जैसे कि आप अब इसमें देखें, यहाँ पर अप्लाई करने के बाद आपको फिर आपको फी पेमेंट करना पड़ता है। फी पेमेंट करने के लिए हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि फी पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर फी पेमेंट करने के ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आप फी पेमेंट कर सकते हैं, जैसे 100 रुपीज का फी यहाँ पर पेमेंट करना है फॉर मेल एंड जनरल कैंडिडेट्स के लिए और OBC वाले लोग के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर जाके और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, अप्लाई के लिए आपको ऑनलाइन मोड से फी पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा सर्कल अप्लाइंग, वह सबसे पहले आपको फी पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो ठीक है गाइज, थैंक यू। मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ बेल आइकन को प्लीज़ हिट करें और बेल आइकन को ऑल पे कर ले, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मैं लेके आऊँ तो आप लोगों के पास जल्दी से पहुंच पाए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।